क्या है, आपका मकसद क्या है? बिल्कुल, मैं इस समय आई हूँ, समस्त ग्रामवासी मेरे साथ हैं। मुझे सूचना मिली कि कटान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज मैं आई हूँ पूरा निरीक्षण करके। मैं बाढ़ खंड से भी बात करूंगी और इस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उन्हें एक चिट्ठी भेजूंगी। हमारे सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी और इस पर जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाया जाए, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले एक गाँव पड़ता है मनियर में, हमारा ककरघट्टा पड़ता है, वहाँ वह भी डूबने के ही कागार पर था, परंतु यही योगी सरकार थी, वहाँ के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद है, तो इस सरकार में उस गांव को भी बचाया गया। उस तरह ना जाने कितने गांव के लिए सरकार खुद प्रयास कर रही है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि जिस विधायक को जनता ने चुना उनकी आवाज़ उठाने के लिए, वह विधायक चिर निंद्रा में सो रहे हैं और जब उनकी नींद टूटेगी तो वो वोट मांगने अवश्य इन गाँव में जरूर वो आएंगे। तो बड़ी इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि ना जाने वह कैसे विधायक हैं और किस तरह वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। श्रीमान राम गोविंद चौधरी जी जो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यहाँ के विधायक हैं, पिछले 10 साल से लगातार वही विधायक हैं यहाँ पे, और इससे पहले 5 वर्ष की सरकार उनकी भी थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और जिस तरह वह कटान के नाम पर और बाढ़ के नाम पर पैसा अलॉट करवा के और उन लोगों ने बंदर बाट की, जिसकी वजह से आज ये समस्त गाँव अपनी पहचान खोने के स्थिति पर आ गया है, इनके अस्तित्व खत्म होने वाले हैं, इतनी इस स्थिति पर भी वह आए और उन्होंने जात वाले कई सम्मेलन कराए, जातियों के लोगों को बुला बुला कर अलग अलग सम्मेलन करा रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है और यह कभी नहीं रहती है उनको कि यह जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे आज यह गाँव अगर खत्म हो जाता है, चांदपुर गाँव अगर खत्म हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से राम गोविंद चौधरी जी ही होंगे। तो आज आप नाव से निरीक्षण करने